अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में लोग बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए 1,01,111 रुपए दान किया है। विधायक शुक्ल ने राम मंदिर ट्रस्ट को चेक भेजा है। आपको बता दें कि अमितेश शुक्ल अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम श्यामाचरण शुक्ल के पुत्र हैं और वर्तमान में राजिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं। अमितेश शुक्ल ने कहा कि हम सभी हिंदू हैं, भगवान राम सबके लिए है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब राम भगवान का मंदिर बन रहा है तो हमारी भी भावना उसमें सहयोग करने की है। अब भगवान राम का मंदिर भाजपा और आरएसएस की बपौती नहीं है। शुक्ल ने खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए कहा कि बहुत से लोग मंदिर निर्माण में निधि समर्पण कर रहे हैं, ऐसे में इस महायज्ञ में आहुति का मौका मुझे भी मिला। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी पिछले दिनों चंदा दिया था। राम जन्मभूमि में विराजमान राम लाला के मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भी निधि समर्पण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में महज 4 दिन के भीतर ही करीब 100 करोड़ की राशि इकट्ठी हो गई है। मैंने आज निर्णय लिया कि मैं जो राम भगवान का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में उसके लिए एक राशि समर्पित करूँ 1,11,111 की। और भावना मैं निमित्त हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, सभी जो लोग इसमें समर्पण कर रहे हैं कि मुझे भी मौका मिला आज जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो आज ये जो भव्य मंदिर बन रहा है और इसमें मैंने भी सोचा कि एक आहुति मतलब महायज्ञ में मैं भी एक जो है आहुति डालूँ, और आज मुझे बहुत खुशी है दिल से कि मैं ये इस मंदिर के लिए समर्पण कर पाया रामजन्म के मंदिर के। वहीं दूसरी ओर वीएचपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। नींव के लिए सारी रिसर्च पूरी हो चुकी है। देश की नामी कंपनियों ने इस पर रिसर्च किया है। इसमें भविष्य में बाढ़ और भूकंप की चुनौती से निपटने की तैयारी भी शामिल है। 12 मीटर नीचे तक मलबा भरा हुआ है, उसे हटाया जा रहा है। देश के तमाम बड़े भवन वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस काम में शामिल हैं। चंपत राय के मुताबिक निर्माण में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं चंपत राय ने बताया कि भारत सरकार ने समर्पण निधि में दान राशि का 50% कर मुक्त कर दिया है। सभी समर्पण राशि बैंक खातों में जमा की जा रही है। 31 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ के समाज से समर्पण राशि के लिए संपर्क किया जाएगा। चंपत राय के मुताबिक यह गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज होने लायक काम होगा। हिसाब तो लेने का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। आर्थिक आरोपों के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। आपके सामने आती है पूजा, आप करते हैं, स्वेच्छा से देते हैं, तो मंदिर में भगवान को केवल ऑफरिंग होता है, तो ये ऑफरिंग है, कंट्रीब्यूशन है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। इसी भावना से कार्यकर्ता घर घर जाने की योजना बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 10 रुपया, 100 रुपया, 1,000 रुपये के कूपन लेकर कार्यकर्ता 31 जनवरी से घर घर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं ने स्वीकार की है कि एक ही दिन के अंदर संपूर्ण छत्तीसगढ़ के समाज को संपर्क कर लेंगे प्रातःकाल से रात्रि तक। ये बहुत ये उपलब्धि भी अपने में गिनीज बुक में लिखने लायक मानी जाएगी। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस राम मंदिर के लिए चंदा लेने में आरएसएस भाजपा के अभियान का विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी बड़े नेता संघ और विश्व हिंदू परिषद से शिला पूजन के दौरान इकट्ठा किए गए चंदे का हिसाब भी मांग चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को पत्र लिखकर राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने वाली संस्थाओं की सूची मांगी है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने भी मुख्य सचिव अमिताभ जैन का साथ देते हुए जानकारी मांगा जाना जायज ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों बिलासपुर में भी ऐसी एक FIR दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा और कई राज्यों से इस तरह की बातें सामने आ रही है कि कुछ लोग जबरन पत्र छपवा कर चंदा उगाही कर रहे हैं।
अभी पिछले कुछ दिनों बिलासपुर में इस प्रकार से FIR दर्ज कराया गया था, तो और भी राज्यों में इस प्रकार के सूचनाएं मिल रही है कि कुछ लोग बूथ छपा लिए हैं और उसके बाद चंदा उगाही कर रहे हैं, तो कुछ लोग होते ही हैं। इसलिए जो ट्रस्ट है उससे हमने जानकारी मांगी भाई कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने किसको अधिकृत किया, क्योंकि अनाधिकृत व्यक्ति चंदा नहीं ले सकता, तो आपने किसको अधिकृत किया, तो यह जनता को भी पता हो जाए, सरकार को भी पता हो जाए, तो जो गलत करेंगे उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी। कोई चंदा नहीं कहते इसको, ये समर्पण निधि है और गांव-गांव में करोड़ों की संख्या में लोग 10 रुपया से लेकर 100 रुपया तक जितनी जिसको इच्छा है वो समर्पण निधि मंदिर के लिए दे रहे हैं। 492 साल 500 साल के संघर्ष के बाद एक ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है और मंदिर का निर्माण हो रहा है जो सैकड़ों साल का इंतजार के बाद है, तो जनता के बीच अभूतपूर्व उत्साह है। मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ अभी, आज सबसे बड़ा विषय आम आदमी में है कि मंदिर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कैसे दें। कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है, और करोड़ों लोगों के सहयोग से 2000 करोड़ रुपया उस मंदिर के निर्माण में लगेंगे, तो इसमें विश्व हिंदू परिषद यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राम जन्मभूमि मंदिर का जो ट्रस्ट है उनके माध्यम से ही ये सारा चीज़ संचालन हो रहा है। समूह में जाते हैं और लोगों से सार्वजनिक रूप से पैसा लेते हैं। यदि पूरे छत्तीसगढ़ में कोई एक जगह गलती हुई है तो उसमें निश्चित रूप से सरकार एक्टिव होके यदि पूछ कर रही है तो पूछना चाहिए, मगर इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे हिंदुस्तान में ये प्रक्रिया चल रही है और लोग समर्पण निधि दे रहे हैं और जिनको मर्जी नहीं है देने का वो ऐसी बात करते हैं। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस द्वारा फंड का हिसाब मांगने पर आयकर विभाग से जांच कराने की बात कह दिया है। राजनीतिक बवाल के बीच अब आम लोग समर्पण निधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर के निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो, ये सभी हिंदुओं की मान्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश TV।